आई एम इंडिया ओनली फीमेल सर्टिफाइड कैनिबिस टीचर दिस प्लांट इज मच बेटर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हमारे ऋषि मुनियो ने बोला है कि ये वो है जो सब चीज़ों पर विजय पा सकता है यू कॉन्ट मैसर आउन विद्यूनिटी यू नो इवन इफ यू आर डेड इंडिया इज ऑलरेडी द बिग थिंग वेन इट कम्स टू कैनिबिस हाथी से लेके शेर खाता है फॉर हेल्थ अपने काम के लिए खाली वेद पुराण रामायण मत पढ़ो तो बाकी सारी चीजें भी है ना या तो उसको भी बोलो तब तुम भक्त वरना तुम भक्त नहीं सिटी हे गाइस दिस इज मी हमराज बोराई एंड यस वी आर बैक ऑन हम शो जिसका नाम है सिटी टॉक्स रेडियो सिटी पर जहां हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन टॉपिक्स पर बात करने के लिए लोग हिचकिचाते हैं ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर आज मैं अपने शो पर आया हूं और मेरे साथ इस वक्त जुड़ी है इंडिया फीमेल इज एक्टिविस्ट Priya Mishra, and she is also known as Hemphati. Welcome to our show, Priya. Thank you so much for having me over. It's an honor. Sunte sunte Radio City badi It's a pleasure to have you here, and uh, India's first female cannabis activist. Yeah, that's this. a lot. <laughs> <laughs> कि किस तरीके से आपने सोचा कि क्यों ना मैं कैन भी इस पर रिसर्च करूँ आपके लाइफ में कुछ इस तरीके का कोई इंसिडेंट था या फिर गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो इंडिया एक्टिविस्ट एंड इट डज मेक सेंस आई थिंक सो क्योंकि जो प्लांट है कैनबिस uh, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज़ें होती हैं वो फीमेल प्लांट से ही आती हैं उसमें भी मेल और फीमेल होता है और ये मुझे रिसर्च करने के बाद में पता चला कि द प्लांट इज सो मच लाइक ह्यूमन्स यू नो एंड जो इंसिडेंट हुआ था ऐसा नहीं था कि मुझे कैनबिस पे रिसर्च करना था एग्जैक्टली आई वॉज अ पार्ट ऑफ मीडिया आई वॉज वर्किंग एज अ सेलिब्रिटी मैनेजर and unfortunately i ended up getting tuberculosis at a very young age of 20 and until then i had not smoked up probably just once one incident you know friends try it. you know and that's it long back and i got tuberculosis my wall shattered unfortunately it was diagnosed in third stage Because I was मतलब मैं बेसिकली हंड्रेड के की थी जब मुझे टीबी डायग्नोस हुआ है <clears throat> तो अब जब इतना जो हैवी होता है डॉक्टर कभी उसके पास जाके ये नहीं बोलेगा पहला चीज़ कि हाँ आपको शायद टीबी होगा एंड दैट इज सो रॉन्ग क्योंकि मसल टोन से लेके क्या क्या मुझे बताया गया था उसका इलाज करिए ये सारी चीजें करिए वजन कम कर लीजिए जिसको टीबी होगा उसका वजन कम करवा रहे हो आप सो या डॉट्स की मेडिसिन शुरू करवाई गई थी अनफॉर्चुनेटली इन माई केस इट डेंट हेल्प

डॉक्टर मुझे पेन किलर नहीं दे सकता था बींग वेरी स्पेसिफिक ना नींद की गोली दे सकता था क्योंकि वो डॉट्स की मेडिसिन के साथ यू नो रिएक्ट करती थी एंड जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी तो टीबी बढ़ना बंद हो गया था मुझे लिम्फ नोट ट्यूबिकलॉसिस था तो मेरा यहाँ पे जो था वो यहाँ तक स्वेलिंग थी सो वो स्वेलिंग और बढ़नी बंद हो गई लेकिन उसको अंदर नहीं जा रहा था वो तो वो जो था वहाँ पे पास दैट वॉज पेनफुल फ्रेंड के वहां पे गए उन्होंने बोला मर तो वैसी हंसते uh -huh. you know, हंसते मर ले कम से कम तीन दिन से सोई ही नहीं है ये एक general, uh, perception है cannabis के अराउंड भी जो करते हैं या नहीं करते उनको पता है कि आप हंसने लगते हो दैट इज वन थिंग पिया आधा भी नहीं पिया होगा मैंने ज्वाइंट एंड आई स्लेप्ट आफ्टर थ्री डेज इमेजिन समवन हु कैन बेरली मूव द नेक गल्प डाउन फूड एंड एवरी थिंग नथिंग एंड नॉट बींग एबल टू स्लीप जिसको टीबी हो तीन दिन बाद में सोई छः घंटे बाद उठी एंड mm -hmm. दर्द से उठी दर्द तो वापस आ गया था क्योंकि दवा mm -hmm. एक तरह से दवा उस टाइम पे थोड़ा सा समझ में आया फिर मैंने किया नाउ योर वन नीच टू अंडरस्टैंड कि ये मैं एडिक्शन के हिसाब से नहीं कर रही थी उस टाइम पे पॉइंट mm -hmm. था कि अगर आपको दर्द है और डॉक्टर ने अगर मुझे प्रिस्क्राइब की होती पेन किलर तो भी तो मैं दो दो तीन तीन पेन किलर उस टाइम पे ले ही रही होती गुड थिंग इज कि हम बॉम्बे के बच्चे थे बट hmm. तो हमने थोड़ा सा और इसके बारे में रिसर्च किया और गूगल था दस साल पहले बहुत अच्छे से था <laughs> <laughs> तो हम गूगल पे जाके हमने खाली एंड की वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कैनबिस पेन एंड स्लीप तीन की वर्ड्स डाले एंड सुप डॉक्यूमेंट्रीज पे डॉक्यूमेंट्रीज कैंसर पेशेंट्स, एड्स पेशेंट्स का इलाज हो रहा है अराउंडी चार स्टेट्स में हो चुका एंड इज आई नो मी एंडा दैट्स हर निक नेम यू नो सो टोटा एंड मी वर लाइक ओके दिस इज समू नो समुड थिंग वी आर नॉट लाइक यू नो इमेजिनिंग एक होता है ना इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं है कि ते को एक्चुअल में फायदा हो रहा है इससे स्लोली स्टेडली आई इन दैक्सलाइज एंडलाइज डॉट्स की मेडिसिन ने वो टाइम पे बंद तो कर दिया था पेन जो था मैं नॉट पेन स्वेलिंग लेकिन वो रिवर्स नहीं कर रहा था oh. और डेढ़ महीना हो गया था मुझे दवा लेते हुए mm -hmm. तो मैंने रिसर्च इतना बुकवॉर्म you know, नर्ड एज पीपल से बिग बैंग थ्योरी वाली लड़की टाइप ऑफ अ थिंग यू नो सो मोर लाइक लाइक शेड इन नॉट पेनी पर सेड एंड आई रिसर्च फर्दर एंड आई रियलाइज है रिवर्सलो स्टार्ट रिड्यूसिंग माई मेडिसिन विच इज वेरी डेंजरस लेट मी जस्ट से दैट बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था थर्ड स्टेज पे ऑलरेडी थी दस साल पहले मतलब यू you know, नो जो पेन और जो दर्द तकलीफ से मैं गुजर रही थी कुछ नहीं कोई नहीं बता पा रहा था बचा पा रहा था रिवर्सिंग मेडिसिन डॉट्स कम करते हुए क्योंकि मुझे 1800 MG की दवा दी जा रही थी 100 थाजी से मैं हंड्रेड एंड ट्वेंटी उस दौरान पहुंच गई मेरा टीबी चेस्ट का नहीं था ना तो मैं और मोटी हो रही थी उससे नहीं। 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 क्योंकि मैं घर पर ही बैठी हुई थी हिल नहीं।, नहीं रही थी और आपका मेटाबॉलिज्म किल करता है डॉट्स की दवा बाय द वे तो so, मुझे 1800 की MG, 1800 MG से मैंने मैंने किया फिर ज़्यादा कर लिया था मेरी स्वेलिंग नीचे जाने लगी hmm. एक महीने बाद मैंने बंदी कर दिया ना डॉट्स एंड hmm. ये मैंने रिस्क लिया आई विल से ये मैंने रिस्क लिया एंड टुडे बाय गॉड्स ग्रेस आपको बिना कंसल्टेशन के ऐसे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है मेरे टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं आ गया है आज mm -hmm. की तारीख में मैं दस कम से कम डॉक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ जो प्रिस्क्राइब करते हैं लीगल मेडिकल कैनबिस सो फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी दैट इज वॉट एग्जैक्टली वी हैव अचीव्ड आई एम नॉट सेट वी एज एन हेम्पति बट वी एज एन अ वेकेंट Has achieved to finally work towards healing and treatment. Correct. Three months swelling had gone, I had cured freaking tuberculosis by myself. Superb, awesome. And during that time, mm -hmm. let me say it was not easy. Being a woman, getting stuff or getting mal mm -hmm. very difficult. <laughs> went to Goa, went to Bangalore. And throughout this journey, uh -huh. I used to be very honest with the peddlers. Mm -hmm. क्योंकि मैं दिखती नहीं हूँ ना नॉर्मल स्टोनर राइट तो देख तो के क्यों चाहिए ये? Hmm. ये ये है ये है मेरी टीवी की रिपोर्ट और मुझे hmm. आप मिक्स करके नहीं दे सकते हो अडल्ट्रेटेड ah. नहीं दे सकते हो, क्योंकि तब तक मैंने फेसबुक भी था दस साल पहले हमारे पास Correct. तो मैंने इंटरनेशनल एक्टिविस्ट से मैं जुड़ गई थी लेट इट बी मार्क कैमरी Mm -hmm. like 10, 10 uh, you know, so, आपको you know, ऐसा ऐसा बोलो कि मिक्स ना करके दे आपको दवाई के लिए आपको बहुत साइड uh, इफेक्ट uh, हो सकते correct, हैं एंड ट्रस्ट मी जो बोलते है ना कि एक गैंगस्टर का ईमान होता है <laughs> भाई मेरे सीन में तो mm -hmm. निकल आया ना mm -hmm. उन लोगों ने मेरे को

रिजल्ट सो डॉक्टर बेंद्रे के पास गई नहीं ना क्योर mm. करने के बाद mm. कभी नहीं गई बट आई नो फॉर अ फैक्ट विच थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी आई नो फॉर अ फैक्ट ही लॉट मोर ब्रदर इज अयुर्वेदिक डॉक्टर इन द सेम वेसिनिटी सेम ऑफिस है उनका एक तरफ एलोपैथी एक तरफ आयुर्वेदा चलता है उनका mm -hmm. बट आई वॉज सो स्ड ना अठारह सो इक्कीसो एम जी की आप दवाइयाँ दे रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं सो नहीं पा रही हूँ पेन में तड़प रही हूँ और आप मेरे को बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ mm -hmm. you know, आपको पेन के लिए तो बिल्कुल नहीं दे सकते सोने के लिए भी नहीं दे acceptable ना आज की तारीख में भी कहा acceptable उतनी तरह से okay. हम normalize करने की कोशिश कर रहे हैं वो बोलते हैं ना अगर भारत की एक्स वाई जी पॉपुलेशन है mm -hmm. तो हम खाली जी पॉपुलेशन कोशिश कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्टेंस लाने में और उसमें भी खाली वन परसेंट यू नो जी जनरेशन करवा पा रहा है सो द न्यू डॉक्टर्स और अदर द यू एस बेस्ड डॉक्टर्स सपोर्टेड मी थ्रू आउट टूडे यस इन मुंबई इट सेल्फ आई ओवर फाइव डॉक्टर्स हु आर हेल्पिंग द पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइबिंग

फ्रॉम एक्सपंजमेंट बेसिकली जिनको जेल हुई थी गांजे और चरस की वजह से इन यू एस इन जो प्लेसेस उनको वहां से जेल से निकाला जा रहा है उन्होंने जेलो को कन्वर्ट कर दिया है फॉर कल्टिवेशन फार्म इतना खाली करवा दिया जेल की उन्होंने एक जेल ले ले उसमें कल्टिवेशन फार्मों ने खोला है सो दट इज फ्रॉम ट्रीटिंग और फ्रॉम सींग रेडो दे सफर एंड नोइंग फुल्ली की ये पेन उनका कम किया उसने इलोंगेट तो लाइफ क्या ही होगी हमारी सांसें लिख के आती हैं लेकिन वो सांस एक वेजिटेबल की तरह ले रहे हो बिल्कुल तड़प तड़प के ले रहे हो mm -hmm. कि आप ऐसे कि लास्ट जब आपका लास्ट कंटेंट तो आप, you know, हो वो mm -hmm. दे देता है ब्रिंग यू नो वो कैनबिस पेन निकाल के सो यस बॉब माल यू ऑल्सो प्रच यूटिलाइज एंड काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं उसको कैंसर इसी वजह से हुआ नॉट एट ऑल इट इज नॉट राइट टू एक्चुअली से वही होता है ना कि उस टाइम की रिसर्च थी ही नहीं जिस नहीं। लेवल की रिसर्च आज है जैसे ये बेबी मेरी गोद में है कैनबस हेल्थ इंडेक्स अब ये एक ऐसी किताब है जो अभी नहीं सात आठ साल पहले पब्लिश हुई है एंड इसमें सौ किस्म की बीमारियां कैनबस कैसे ठीक करता है पूरा साइंस दिया हुआ है कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल ट्रायल हुआ है एज एन रिसर्च हुई है कौन से सन में हुई है hmm. वो तक दिया हुआ है उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली यू नो एटीज में नहीं था hmm. 90s में वो चीज नहीं थी सो so, yeah. hmm. जहाँ तक हेम्प की हम बात करेंगे कैन यू प्लीज टेल कि होता क्या है आई एम वेयरिंग हेम्प राइट नाउ सो दिस इज अ कुर्ता मेड आउट ऑफ हेम्प हेम्प वो चीज है जिसे आप कुछ भी बना सकते हो जिससे पहला कपड़ा बना था जिससे पहला पेपर बना Paper था हेम्प वो चीज है जो बेसिकली चाइना को आज भी इतना स्ट्रोंग रखे हुए हैं क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल हेम्प कभी कल्टिवेशन बंद ही नहीं किया आर द बिग्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फॉर एवो बोला जाता है वर्ल्ड वॉर टू का जो हीरो था वॉज विक्ट्री इट्स लिटरली इफ यू गूगल हेम्प विक्ट्री वर्ल्ड वॉर यू विल अंडरस्टैंड दैट प्लेसिज लाइक यूरोप कंट्रीज इन यूरोप अंडरस्टूड कि ओके इसमें से उनको काफी कुछ मिलेगा कपड़ा बनाने से लेके जो खाली कपड़ा नहीं होता है बेसिकली इसका इंसुलेशन बहुत बढ़िया है oh. बाहर ठंड है तो mm -hmm. मैं गर्म होगी बाहर गर्मी है तो मैं ठंडी हो जाऊंगी कैसे दैट इज बिकॉज उसका कपड़ा वैसे है मेरा बॉडी टेम्परेचर अनुसार होता है mm -hmm. और वो खाली कपड़ा नहीं हेम्प वो भी चीज है जो हेम्पक्रीट बनाता है आप उसको लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके अगर घर बनाएंगे mm -hmm. तो बाहर अगर गर्मी होगी तो आपका घर ठंडा रहने वाला रहेगा oh, wow. और अगर बाहर ठंडी होगी तो आपका घर गर्म रहने वाला है दैट इज समथिंग यस आर एंसेस्टर्स ऑल्सो अंडरस्टूड अगर आप जाएंगे हमारे यहाँ काला कैलाश है महाराष्ट्र में है ना काला कैलाश गूगल कर लेना आप लोग क्या है वहां पे जाएंगे तो इट इज अ प्रूव इन फैक्ट आर्किटेक्ट ने प्रूफ किया है कि वॉल के ऊपर जो कार्विंग्स वगैरह है उसके ऊपर एक लेयर ऑफ हेम्प है हेम्प ऑयल वगैरह का एक लेयर है उसके टेक्सचर का ताकि वो पत्थर चुरमुराए नहीं उसके इतने यूज है कि फोर्ड ने गाड़ी बना ली थी You know, hmm. अभी नहीं बनाई थी बहुत What पहले बना ली थी और यूएस गवर्नमेंट ने तुरंत एक लेटर भेजा था टू स्टॉप दैट टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम पे जो उनके रूलर्स थे जस्ट कॉल देम रूलर्स ना आप इनोवेशन hmm. को अगर स्टॉप कर रहे हो तो आप रूलर हुए exactly. आप गवर्नमेंट नहीं हुए तो उनके जो रूलर थे अगर वो वो अलाउ कर देते थे हेनरी फोर्ड को तो आज तो मतलब फोर्ड की गाड़ियां तो इंडिया में कितनी बिकती है हम सब गांजे की गाड़ी चला रहे होते hmm. अब दो में स्पोर्ट्स कार बन रही है कैनबिस से ऑस्ट्रेलिया में बनी है यूरोप में बनी है स्पोर्ट्स इट्स सो लाइट वेट नो उसका जो बनता है मेटल बनता है सो लाइट वेट इमेजिन मतलब ये लोग आज की तारीख में चलो यूरोप की भी क्या बात करूँ हेम्प से जमशेदपुर ने जमशेदपुर में बच्चों ने हेम्प बायोडीजल बना लिया है इंडिया में वो पहले यूरोप में हुआ था यूएस में हुआ था मैंने भी उस पर रिसर्च की थी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था हमारी रिसर्च यू नो सिनॉपसिस तक रह गई थी एंड हम कोविड के बाद वापस शुरू करने वाले थे तब तक जमशेदपुर में क्योंकि बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी थे काफ़ी सारे कॉलेज के दे हैव गॉन एंड दे हैव क्रिएटेड यू नो क्रिएटेडनॉ एंड बायोफ्यूल ट्राइंग टेस्टिंग एन एवरीथिंग विच इज अमेजिंग सो दैट इज वॉट हेम्प एंड कैनबिस कैन डू राइट फ्रॉम क्लोथ टू हेमक्रीट मेकिंग एलोय एज वेल एज ईंधन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़ा हम सॉल्व हो सकती है हम जा रहे हैं कोप जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं यू इन्हो बायोफ्यूल के बारे में बात करनी है हमारे भारत में बहुत है अगर आप सही बात है अगर आंखें खोलो तो <laughs> आंखें खोलनी नहीं है वो बिल्ली वाला हिसाब है हम लोगों के साथ <laughs> आंख बंद करके दूध पी लो <laughs> आप जाके <laughs> देखिये नार्कोटिक्स का कितना बड़ा बिजनेस है <laughs> चाहे वो साई बाबा हो चाहे वो गजानन महाराज हो अब मैं शिवजी का इसमें नाम नहीं लूंगी क्योंकि नहीं। उस टाइम के लोग अवेलेबल नहीं है नहीं। लेकिन साईं बाबा और गजानन महाराज की तो चिल आज भी रखी हैं आरतिया तो आज भी उसी से होती है शेगा चले जाओ एक्चुअल में अगर मन्नत मांगनी होती है तो गांजे का पैकेट चढ़ाते हैं तो अगर संत महंत किसी चीज का सेवन करते थे हम अभी संत महंत हुए नहीं लेकिन वो क्यों करते थे और लाइटनेस एलिवेशन कैनबिस एलिवेट्स और वो एलिवेशन की वजह से एंजाइटी भी बहुत लोगों में हो सकती है साइकोसिस साइकोटिक अटैक भी हो सकता है तो वो कितना और क्यों करना चाहिए उसके लिए डॉक्टर से मिल लो mm. आज की तारीख में बहुत सारे वेज हैं कैनबिस कंजम्पन के भी यू डोंट हैव हैव टू रियली स्मोक अप इफ यू एन इशू जैसे मुझे टीबी था या किसी को डिप्रेशन है एंगजाइटी है पेन है ड्रॉप्स अवेलेबल हैं आपके पास गमीज अवेलेबल हैं उसके साथ साथ यू uh, नो you know, धूम पान की मेडिसिन अवेलेबल हैं ओह या दे आर टू कंपनीज इन इंडिया वन इज कैनजो इंडिया एंड द अदर इज ट्रॉस्ट ओके बोथ ऑफ देम हैव सिगरेट्स अवेलेबल मेडिसिनल सिगरेट्स मेड आउट ऑफ कैनबिस हाउ डिफरेंट इज हेम फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ कैनबिस very very different and uh, hemp and cannabis as far as so uh, the industry is also divided in this mm -hmm. and i am i feel that i am from this you know from an activist yet an educator side you know mm -hmm. so what my understanding is cannabis one plant hey okay the plant kingdom Like in wo plant do hey उसमें मेल और फीमेल बिल्कुल अलग होता है एक ही प्लांट के अंदर नहीं होता है नहीं। तो जो मेल होता है उसके अंदर मेनली फाइबर जो उसका डंडा होता है पत्ते होते हैं एंड सीड्स होती हैं जो फूल होता है और जो बर्ड जिसको बोलते हैं हम गांजे का बेसिकली बर्ड से करते हैं ना तो वो जो है वो सिर्फ फीमेल में उगता है एंड दैट इज वेयर द मेजर डिफरेंस लाइज

उत्तर प्रदेश में जो भांग उग रही है या उत्तराखंड सॉरी मध्य प्रदेश में उग रही है राजस्थान या उड़ीसा में वहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं है वो उनके लिए वो एक ही प्लांट है तो वो जो पत्ते तोड़ते हैं उसके निकलता है तो वो उससे बनाते हैं तो ये जो आज की तारीख में हम 2022 तक पहुंच गए हैं हमें पहले डिफरेंस मेल और फीमेल में जब हमने समझ लिया तब साइंटिफिक डिफरेंस हो जाता THC है वो जो है ना वो भी हम लोगों ने अपने एक को मसाज करने के लिए बना रखी है फॉर अ सिंपल फैक्ट अगर किसी को लेट्स से ब्रेन ट्यूमर है फर्स्ट स्टेज वाले को तो चलो तुम यू you नो know, एक सर्टन अमाउंट दे दो जो सेकेंड या थर्ड स्टेज है उसको हाई टी लगने वाला है ट्रू आप एक लिमिट नहीं कर सकते हो इनोवेशन को या साइंटिफिक चीज को जो बाहर इस चीज के लिए हो रही है देन यू आर आर ब्रिंगिंग इन दैट नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज व्हाट आई फील सो टुडे वी स्टिल अनफॉर्चुनेटली एट अ पॉइंट इन इंडिया कि हम मेल फीमेल प्लांट के बारे में भी नहीं जानते तो हम वो परसेंटेज कैसे डिसाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly. जिसने वो जो परसेंटेज डिसाइड किया था उन अंकल को बाहर लाके मैं खाली पूछना चाहूंगी आप मुझे मेल और फीमेल प्लांट का डिफरेंस बता दो आप जीरो परसेंटीएचसी पे साइन करके मैं दूंगी आपको है hmm. ना देख के खाली बता दो फूल hmm. दोनों में निकला होगा अभी है ना मेल और फीमेल में छोटे छोटे हैं इन दोनों का डिफरेंस देख के बता दो hmm. तो जब आपको पता ही नहीं तो आपने वो सेट कैसे कर दी लिमिट वो जगह पे आई फील डॉक्टर्स शुड बी इन्वॉल्व बट दैट्स अगेन सेकेंड स्टेज पे चला जाता है तो फर्स्ट स्टेज पे ये हेम्प हो जाता है आपका ये है हैम्प एंड कैनबिस तो जो गवर्नमेंट परमिशन देती है पेपर्स में लिखने के लिए इकोनॉमिक्स में लिखने के लिए बहुत आसान हो जाता है बेसिकली okay. <laughs> अगर यू नो मेल फीमेल का अगर मैं बोलूँ आप <laughs> लोगों को तो ये डिफरेंस हो जाता है बहुत सारे लोग हैं इसकी आ, आज की तारीख में वो बोलते हैं ऐसा नहीं है पेशेंट्स को इंडिया में नहीं मिल रहा है आता है उनकी एक फॉर्म भरते हैं, वो लोग राइट टू लाइफ है ना उसके बाद उनको इम्पोर्ट होके आ जाता है वहां से okay. तो राइट टू अर्निंग हमारे फार्मर्स को नहीं है क्या वो सेम चीज का <laughs> क्योंकि वो तीन हजार की मेडिसिन पंद्रह हजार रुपए में मंगवा रहे वो exactly. है ना सो so, जितना उसको मुझे ऐसा लगता है कि आ, हक है इम्पोर्ट करवाने का राइट टू लाइफ में उतना ही मेरे फार्मर को है लेकिन वो तभी हो सकता है जब डिसाइडिंग अथॉरिटी जो बैठी हुई है <laughs> उसको नहीं समझ में आएगा कि हेम्प और कैनबिस ऑनेस्टली एक प्लांट के दो रूप है मिस्टर एंड मिसेज वाला <laughs> टली so, yeah. आप मिस्टर को मिसेस का काम नहीं करवा सकते आप हेम्प की दवा कहाँ बनवा रहे हो उस लेवल की आपको इफेक्ट नहीं देंगी exactly. जो हम चाहा रहे खत्म हो जाते हैं जिनको तीन सौ महीने के सीजर्स आते हैं उनको मुश्किल से तीन तीन महीने में एक दो आ रहे हैं यूएस में mm -hmm. प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और वो लेवल का सीबीडी बर्ड्स ही नहीं ग्रो करने दे रहे हो आप पहली बात तो मेरे फार्मर्स को है ना टीएचसी भी साइड में कर दो Mm -hmm. तो फिर वो कैसे करेंगे सो अनफॉर्चुनेटली एंड कैनबस इज वन समझाना या बताना इम दो दस यूनिवर्सिटीज हैं जो बैचल प्रोवाइड कर रही है कैनबस के अंदर सुपर सो इमेजिन यू नो यू स्पेंड थ्री इय यू स्पेंड फाइव इज लर्निंग अबाउट दैट सेम प्लांट बट देश मिस्टर एंड मिसेज इन टर्म्स ऑफ पेपर तो हाँ, and cannabis, ऐसे होता है। okay, और अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो पिछले पचास हजार सालों का मतलब एज पर रिकॉर्ड जो कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसमें दिया है कि तो या इंडिया में पिछले पचास हजार सालों से यूज किया जा रहा था रोजमर्रा की चीजों में लाइक फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन अथर्वेद में भी दिया गया है इसके बारे में और आप ही की एक वीडियो में देखा था मैंने की वो लोग इसे विजया कहते थे यानी हर रोगों पर विजय पाने वाली जड़ी बूटी और फिर अचानक से इस पर बैन लगा दिया जाता है सो यू नो द ब्यूटी इज कि हमारे जो वेद पुराण है आ, वो किसी के विम्स एंड फैंसी से नहीं बने हैं बहुत साइंटिफिक हैं वेद स्तुतियां लिखी हुई हैं उसमें समझाने की कोशिश की है यूनिवर्स के बारे में यूनिवर्सल साइंस के बारे में पुराण कहानियों में हो जाता है यू नो स्टोरीज पर से अब जब आप उसको डिसाइफर करते हो आपको मिलता है अथर्वेद में आपको मिलता है आयुर्वेदा के बारे में आपको काफी सारी डिटेल्स मिलती हैं एंड विजया तो खाली एक नाम आप बता रहे हो उसमें पैतालीस नाम दिए मतलब राइट फ्रॉम विजया टू सिद्धात्री जो सिद्धियां प्राप्त कराती है <laughs> जो हैप्पीनेस देती है जीवदात्री जो जीवन प्रदान करती है और ये सिर्फ वेदों के टाइम पे नहीं पंद्रह सौ सदी तक हमारे जो राजा महाराजाओं के जो राइटर्स हुआ करते थे सब लिख रहे होते थे उन्होंने भी लिखा है चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो कि ये बहुत काम आता था एलेक्सर की तरह यूज करते थे वो लोग फाइट्स में जाने से पहले यूज करते थे निहंग्स जो एक सेक्ट ऑफ सरदार है बेसिकली जो फाइटर क्रीड जिसको पूरी लीग बोलते हैं उनके यहाँ सूखा बनता है नहीं। नहीं। सुखा इज बेसिकली भांग okay. पत्तों की तरह वो पूरा मिश्रण बनाया जाता है फाइट से पहले और फाइट के बाद दिया जाता है एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज बेसिकली एन एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी कि आप लड़ने जा रहे हो वो आपका कर्म है है ना Correct. लेकिन आपकी बॉडी और सोल ताकि आपको पीटीएसडी की प्रॉब्लम ना हो mm -hmm. हम लोग बहुत पहले से इस चीज के बारे में जानते थे तो हम mm -hmm. लोगों ने पहले ही भांग वांग सॉर्ट करके रखी थी आज की तारीख में यूएस वाले पीटीएसडी पे काम कर रहे हैं mm -hmm. कैनबस के साथ यूएस गवर्नमेंट एंड कैनेडा गवर्नमेंट एक्चुअली इंश्योर पीपल इंश्योरेंस है जिसमें वो मेडिकल कैनबिस यूज कर सकते हैं इमेजिन गांजे का मतलब इंश्योरेंस में कवर्ड हो जाता है उनका mm -hmm. है ना सो दैट इज द लेवल दैट हमारे पुरानों में या वेदों में लिखा हुआ था uh -huh. और हमारे राजा महाराजाओं को भी पता था अब जो बैन आया वो यूएस ने निक्सन के टाइम पे शुरू करवाया निक्सन इज अ वेरी इनफेमस नेम ऑलरेडी इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड उनकी बहुत ओपन कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड्स कॉल्स यू नो एक आप गूगल पे जाके आप सुन सकते हो यूट्यूब पे जाके सुन सकते हो कि उनका ये टारगेट था बेसिकली कलर्ड कम्युनिटीज जो यूएस में थी उनको बिहाइंड द बार्स डालने के लिए और ताकि वो ऊपर ना उठे निक्सन का एक बहुत इनफेमस डायलॉग है मैरवाना की वजह से जो फॉरेनर या जो गोरी महिलाएं होती हैं उनको काले आदमी बहुत अच्छे लगने लगते हैं

एंड hmm. कैनबिस आता था सबसे पहली बात कैनबिस इंडियन हेम्प क्यों बोला जाता है उसको कहानी hmm. शुरू हुई है हमारे पहाड़ों से हिमालय से जो करोड़ों वर्ष पहले सबसे पहला सीड कहाँ से निकला है आज की तारीख में यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज ने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और सारी चीजें करके ट्रेस बैक कर लिया उसको हिमालय टिबिन प्लेटो में <laughs> तो उनका मेन ये फंडा था कि भाई यहाँ से जब हमें ब्रिटिशर्स के अंडर हमें लाया गया तब हम पूरा स्प्रेड होना और भी शुरू हुआ और उससे पहले जो सिल्क रूट है हमारा hmm. वो सिल्क रूट आपको लगता है सिल्क ऊपर नीचे होता है वहाँ पे, वो सिल्क रूट ऑफ यू नो ऑफ आर हिस्ट्री एंड सी वॉट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग अवेलेबल राइट फ्रॉम यू नो टर्की अफगानिस्तान सेक्टर पाथ दैट इंटायर पाथ इज वॉट वॉज यूज सिल्क तो खाली एक नाम था सो उनका ये था कि अब ये ये अमीर होते जा रहे हैं मतलब स्लेव्स बना के रखा हुआ था ना इतने करेक्ट सालों से जिस तरह से हम थे उस तरह से ब्लैक मैन यू नो दर्ड इज वेरी रॉन्ग दैट्स वाई सेट कलर्ड माइनॉरिटी तो निक्सिन ने ये किया और बहुत प्रेशर था तो वो प्रेशर इंडिया टू इट लाइक नेपाल एंड अदर कंट्रीज लेकिन आज की तारीख में हमसे कोई भी कुछ नहीं करवा सकता mm -hmm. वो चीज़ अब समझी जा रही है उस टाइम के भी जो नेता थे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की थी बैन एग्जैक्टली नहीं किया था एक एक्ट लाए थे वो एक्ट के अंदर आप पर्सनल कंजम्पन नहीं कर सकते हो। मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल अलाउड, लेकिन okay. उसकी जो मार्केटिंग की थी, वो था कि मतलब मर्डर करना चीज <laughs> आप मर्डर hmm. है नहीं नहीं ना सो hmm. so वो उन्होंने वो चीज घुमाई बहुत अच्छे से घुमाई लास्ट लॉन्ग नो बाकी जगह आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस रिशेड्यूलिंग कर रहा है कैनबिस की Uh, बाकी सारी जो कंट्रीज हैं कैनेडा प्रोवाइड करवाती है उसकी आर्मी को मेडिकल कैनबिस यूएस प्रोवाइड करवाती है उसकी आर्मी को उससे पता चल जाना चाहिए आज की तारीख में स्टेटस क्योंकि उन्होंने वो प्रेसिडेंट ने जो किया वो बहुत गलत किया जैसे कई बार हमारी कंट्री में भी बहुत कुछ हुआ आई डोंट वांट टू पुट इट लाइक यू नो आउट बट अपने अपने खुद के लोगों को बॉम्बिंग नहीं कराते <laughs> वही सेम चीज हो जाता है उधर भी ना निक्सिन ने सेम चीज की माइनॉरिटी है तो भैया तेरा यूएस सिटीजन वो ना Correct. तो अपने खुद के लोगों को जेल में नहीं डालते जबरदस्ती जस्ट ऑफ यू नो अ फेमस फॉर मतलब है जो लोग जेल में है कैनबिस के चार्जेस पे उनको बाहर निकलवा रहे हैं आप लोग तो इट इज नॉट एन एक्टिविस्ट जॉब एनी मोर थैंकफुली बट

गवर्नमेंट को हाँ काला सोना काला सोना गवर्नमेंट <laughs> <laughs> uh. को अगर यू नो एक्चुअल में रातों रात mm -hmm. ट्रेजरी को फुल करना है mm -hmm. अगर उन्होंने ये कर दिया तो ये बाकी सारे न्यूज वालों ने मतलब उन्होंने एक आर्टिकल किया था दिल्ली एंड मुंबई खरबों का बिजनेस करता है इलीगली हर साल सो एंड दिस इज जस्ट दिल्ली एंड मुंबई अबाउट तो बहुत पैसा आएगा मैं ये बोलती हूँ आप मेडिकल साइड भी दिखाओ और आप एडिक्शन साइड भी दिखाओ एंड कोई नहीं बोल रहा है कि आप एज लिमिट मत रखो आप जब लीगलाइज कर रहे हो इमेजिन जो आज की तारीख में अल्कोहल से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसकी वजह से उतनी डेथ्स भी हो रही हैं हम अपना कर्म कहाँ पे लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर भी इसीलिए वो सारी चीजें लागू होती वो लोग भी इंसान चल रहे हैं सो इफ दे रिवर्स इट रेवेन्यू के साथ साथ आई फील दैट हेल्थ फैक्टर वेल्थ एंड हेल्थ बोथ ऑफ द कंट्री विल रीच अ न्यू हाइट एंड विद इन मार्क माई वर्ड्स फोर्टी एट आवर्स आई गेव अ चैलेंज इफ मोदी जी एज आई यूज टू कॉल मेरू हैश टैग यूज करती हूँ मैं बड़े पापा अगर वो एक बोलते हैं ना कि इसके बारे में मन की बात में बोले फोर्टी एट आवर्स में कितनी कंट्रीज से कितनी इन्वेस्टमेंट आती है ये तो वो सबको पता चल जाएगा जब आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली पच्चीस से तीस कंपनियां हैं फोर्टी फिफ्टी करोड़ चल रहे हैं रतन टाटा ने इन्वेस्ट कर रखा है आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग टू दिस आर ऑलरेडी अवेयर बोहेको नाम की कंपनी है मुंबई में जिनके मेन इन्वेस्टर इज रतन टाटा जी टाटा फाउंडेशन ओके सो

बिलियन इन जैसी जगह पे आज आज की की तारीख में स्कूल हॉस्पिटल कैनबिस टैक्स से से बना रहे हैं वो लोग नहीं साल भारत जो है बहुत बड़ा देश हो जाता है बहुत सारे इश्यूज भी है हमारे वहाँ पे एंड कैनबिस बहुत सारे इशूज सॉल्व कर सकता है एंटाई mm गवर्नमेंट -hmm. काफी सारी चीजें हो जाती हैं अनपढ़ इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ऐसा बोला जाता है जो कि बहुत गलत है बहुत पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हैं बट हाँ मेजोरिटी इज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अनएजुकेटेड इलिटरेट इनको अगर एक वाइट कॉलर जॉब मिल सकता है उसी चीज से जिस वजह से उनको इतनी बदनामी मिल रही थी तो वो आपके भक्त नहीं बन जाएंगे नहीं। 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 so it's not only health and wealth I feel that a holistic development of a nation can only happen when your government and the lowest जो बोलते हैं ना deep down जिसको हम सोचते हैं बोलते नहीं अरे तो <laughs> भाई अगर आपकी इतनी इतनी सोच बुरी लग रही है ना तो याद रखना कि अगर आपको सबसे ऊपर जाना है तो सबसे नीचे खट्टा खोद के पता चलना चाहिए नींव कितनी गहरी और क्या correct, है correct. काला सोना इज द वे टू गो टू आई वुड से एंड नंबर्स आर अवेलेबल जिस तरह से ये मेडिकल कैनबिस के ऊपर रिसर्च अवेलेबल है कैनेडा से लेके यूएस के जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं इंडिया नीड्स इट मोर देन एनी कंट्री देर आर कंट्रीज आर ओबियसली देर बट बिकॉज वी आर डेवलपिंग सो मच एंड सो फास्ट वी डोंट नीड लोन्स वी एक्चुअली डोंट नीड वी नीड गुड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम थिंग्स लाइक दिस एंड आई फील एक हमने बात कर ली इकोनॉमिक ग्रोथ की ये सारी बात है हेल्थ की बात है mm -hmm. एक होती है लैंड पॉइंट yeah. yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है यू you नो know, हम बोलते हैं भारत कि जो धरती है वो जागरूक है वो जगी हुई है माता बोलते हैं ना हम हमारी एक प्रार्थना होती है हम सुबह जब सबसे पहले उठते हैं धरती पे पैर रखते हैं तो माफी मांगते हैं कि मैं आप पे चल रही हूँ आपके ऊपर कदम रख रही हूँ आप मुझे माफ करें क्योंकि एनर्जी अर्थिंग भी हमें इसी से मिलती है करेक्ट तो हम इतना सारा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड इतनी सारी चीजें जो उगा रहे हैं मकई हो गई कुछ भी आप देख लो शुगर केन हो गया इन सबसे मेन अगर महाराष्ट्र में बैठे हैं तो महाराष्ट्र में मेन इज कॉटन क्रॉप बंजर कर देती है जमीन को पानी का इशू हो जाता है कितना मतलब आ, मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली हजारों की तादाद पे फार्मर्स की सुसाइड होती स्यूसाइड है है ना सो दैट इज बिकॉज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो धरती को भी न्यूट्रिशन चाहिए सो so जो भारत की धरती है हम उसके ऊपर बोलते हैं सोने की चिड़िया क्यों आजकल सोने की चिड़िया नहीं दिखती जो चिड़िया है वो भी मरी जा रही है और डालो पेस्टिसाइड और डालो फर्टिलाइजर लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज की जनरेशन की बच्ची हो तो इतना समझ में आता है इतना केमिकल उड़े लोगे और ऐसे ही प्लांट्स लगाओगे जो सारे न्यूट्रिय खींच लेंगे आपकी धरती से तो फिर कैसे चलेगा हिरोशिमा नागासाकी ने जब उनके ऊपर ब्लास्ट हुए सब हुआ लास्ट so मतलब तो भी नहीं बोल रही हूँ कि यू you नो know, uh, कि खाली उसको आपकी धरती को अच्छा रखेगा मॉइस्ट रखेगा न्यूट्रिएंट्स देगा भाई रेडियो एक्टिविटी निकालता है वो प्लांट सोचा यू नो एंड दैट इज मैसिव फॉर अल फ आपके लिए वो स्टैटिस्टिक्स होगा ना फार्मर सुसाइड करते हैं मेरे लिए नहीं है मैं लास्ट दस साल से तो रिसर्च ऑनलाइन तो नहीं लेकिन ऑफलाइन पाँच साल से तो मैं पहाड़ पे रह रही हूँ और पहाड़ मतलब गली गली और पहाड़ पहाड़ गांव गांव जाके तो वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे फोन भरे हुए हैं फार्मर्स और ट्राइबल्स के नंबर्स के साथ तो जब कोई मरता है या जब कहीं किसी को जेल होती है कुछ होता है तो बहुत बुरा लगता है बहुत ज्यादा एंड दीज पीपल हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव कॉटन जिसमें आप इतना पेस्टिसाइड इतना फर्टिलाइजर डालते हो इतना स्किन कैंसर क्यों हो रहा है आज की तारीख में हुँ. इतना पेशेंट्स को क्यों हो रहा है इतना खुजली बेसिकली की प्रॉब्लम क्यों हो रही है जिस को देखो कहीं ना कहीं रैश पैच क्यों आ जाता है हुँ. केमिकल बेस्ड कितना भी बोल लो आपने केमिकल बेस्ड नहीं आपका आपका प्योर कॉटन है वो प्योर कॉटन को कहाँ से लेके हो वो आपको बता रहे क्या वो प्योर कॉटन है ट्रस्ट में वो फूल कॉटन का फूल से ही प्योर बनाया उसने वो कुर्ता लेकिन वो फूल उगाने के लिए उसने कितना फर, फर्टिलाइजर और केमिकल बेस्ड और पेस्टिसाइड डाला है वो आपको पता है क्या ना कुछ नहीं लगता आप पहाड़ चले हाईवे के भी किनारे लगे रहते हैं इनको बेसिकली आप उखाड़ो भी ना बहुत टाइम लगता है उसके मुरझाने में लैंड एज वेल द लैंड ये सारी चीजें ठीक कर सकता है इस टाइम पे हम फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ा रहे हैं विच इज एन अमेजिंग थिंग भारत का काफी टाइम बाद फॉरेस्ट कवर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू हुआ है लेकिन वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं हमारे वहाँ पे एक भी एक्चुअल इंडिजिनियस ट्राइब इंडिया की नहीं है जिसने गांजे का इस्तेमाल नहीं किया हो hmm. मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक भी ट्राइबल मैं बोल रही हूँ ट्राइब्स उनकी मेडिसिन सिस्टम में छपा हुआ है हाथी से लेके शेर खाता है फॉर हेल्थ कैसे हम कुत्तों को देखते हैं ना कई बार वो घास खा रहे थे तो तो exactly, <laughs> <है, basically. laughs> <laughs> लेकिन उसको ये पता है कि वो कि अच्छा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है मैं ये खा लेता हूँ ठीक हो जाऊंगा खाली नशे के लिए हाथी और वो शेर नहीं खाते वो अपनी तबियत ठीक करने के लिए खाते हैं एंड ब्यूटिफुल थिंग दैट इंडिया में मैंने शेर को टाइगर को कैनबिस खाते हुए उत्तराखंड में कोट द्वार इंस्टाग्राम पे भेजा एग्जैक्टली एंड रावत जी ने आई वेरी प्रिसाइस ओवर हियर जो टी एस रावत जी हुआ करते थे सीएम uh, uh, उत्तराखंड के है ना उन्होंने एक पिक्चर भेजी थी आ, एक आई नाम की ऑर्गेनाइजेशन है पांच दस पाँच छह साल पहले उन्होंने एक पिक्चर भिजवाई थी कि ये दिखा है वो शेर खा रहा है रहा, ये क्या चल रहा है यू नो सो इट इज नॉट ओनली मी एज एन एक्टिविस्ट सेइंग सेइंग और यू एज अ सिटीजन भाई अथॉरिटीज ने भी देखा हुआ।, हुआ है हम कुछ ऐसे मेक बिलीफ नहीं बना रहे हैं नहीं। नहीं। वो इसलिए है क्योंकि हम मैमल्स के अंदर एक एंडो कैनेबेनोइट सिस्टम होता है एंडो कैनबेनोइट सिस्टम जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारा uh, क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम होता है uh, उसी तरह एक एंडोकेनबिनोइड सिस्टम होता है जो बाकी सारे सिस्टम्स को इन सिंक रखता है mm -hmm. uh, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है या जो अलर्टनेस की जरूरत होती है बेसिकली इट इज मोर ऑर लेस लाइक द वायर यू नो इट इज नॉट द जनरेटर पर से और इट इज नॉट द ट्रांसफार्मर लेकिन उस को एंडो कैनिबेनोइड सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा दिमाग भी वो सेम चीजें बनाता है बहुत कम यू नो क्वांटिटी में उसमें अगर हमें कमी हो जाती है जैसे कई बार ना कैल्शियम की कमी हो गई तो मैं ये कैल्शियम की गोली खाऊ तो अगर कैनिबेनॉइड की कमी है तो फिर करेक्ट हमें इनटेक तो उसी का करना चाहिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ की कैनबेनोइड सिर्फ कैनबिस में होते हैं लेकिन मजॉरिटी इसी में होती है करेक्ट अब उसके अलग अलग वेज होते हैं सो हेल्थ वेल्थ लैंड के साथ साथ हमारा खुद का बॉडी भी यही बोलता है कि हाई टाइम टू डू इट ताकि हमें और कमियां ना आए बहुत सारी जैसे टॉरेट सिंड्रोम एक ऐसी चीज है कनेक्शन लूज हो जाता है करेक्ट hmm. ऐसा hmm. बोलते hmm. हैं ना तो थोड़ा खटखट -खट बोलते हैं ना आ, uh -huh. रुक रुक के बात होती है एवरीथिंग टॉरेट सिंड्रोम के लिए मेडिकल कैनबिस यूज होता है और फिर वो दर्ड नो डिटैचमेंट वो जो जैसे कई लोगों को पंद्रह सेकंड का होता है दस सेकंड का होता है hmm. एक सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है स्टैमरिंग टाइप या स्टैमरिंग एक सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके कैनबेनॉइड बॉडी के अंदर कम हो गए एंडो कैनबेनोइड सिस्टम ऊपर नीचे हो गया अब नर्वस सिस्टम में कहा क्या जा रहा है पता नहीं चल रहा वो ब्रेन को क्या अलर्ट कर रहा है hmm. क्योंकि आपको जरूरत है ना जितना अगर आप सन बोलो सूरज की भी कुछ तो जरूरत है ना हमें पानी की कुछ जरूरत है ना ओवर जरूरत नहीं Hmm. अब वो कमी हमने तो रिकग्नाइज ही नहीं किया अभी तक इंडिया में इस चीज को कि हमें कमी होती है कैनबेनोइड की भी अभी तो हम बहुत मैं दस साल क्या पंद्रह साल आगे चल रही हूँ कैनबिस इन इंडिया में टू वेन इट कम्स टू द नॉलेज इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द टेक ऑल्सो तो इंडिया तो अभी भी उसमें नहीं है कि रिकेगनाइज करे कि कैनबेनोइड की जरूरत होती है या एंडो कैनबनोइड सिस्टम है पूरा का पूरा बॉडी में विच आई थिंक सो इज नॉट फेयर बिकॉज अगर आप वहां से जेट ला सकते हो अगर आप वहां से यू नो हथियार ला सकते हो mm -hmm. अगर आप वहां से कैंसर और एड्स की दवा ला सकते हो तो वही कैंसर एड्स की अगर गांजे से बनी हुई दवा है तो आप वो क्यों नहीं ला सकते हो क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे किसी ने लगा रखा है घोड़े के जैसे लगा एग्जैक्टली यू नो ऐसे <laughs> लगा रखा है सो so, वो कैनबिस की गलती नहीं है ना उसकी गलती है जिसने पेटेंट ले रखा है इन सब बीमारियों या ट्रीट क्योर मैंने कहीं पे भी यूज नहीं किया है वर्ड बाकियों के लिए मेरा टीबी ठीक हुआ क्योर हुआ बहुत सारी रिसर्चेस हैं बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर भी क्योर हुआ है आर एस ओ जो बोलते हैं रिक्सिमसन ऑयल उससे हजारों लोगों का कैंसर रिवर्स हुआ है कैंसर पेशेंट्स को तो शायद अलाउड <laughs> भी है सो राइट टू लाइफ ना राइट टू लाइफ में बेसिकली यू आर अलाउड टू यू नो यूटिलाइज लेकिन अब इंडिया में जब हाई टी एच सी अवेलेबल ही नहीं है आपको बोले पत्ते से निकालो मेडिसिन जब फूल से गुलाब जल और गुलकंद फूल से निकलता है कि पत्ते से निकलता है फूल से निकलता है करेक्ट अगर आप फूल का कल्टीवेशन का लाइसेंस नहीं दे रहे हो फॉर एग्जांपल आप सिर्फ और सिर्फ हेम्प पत्तों का ही देते जा रहे हो एक्सेप्टेंस सिर्फ पत्तों की रख रहे हो और एक्सपेक्टेशन है कि गुलकंद निकलेगा तो कैसे गुलाब का फूल तो तुम काट के जला दे रहे हो भैया करेक्ट सो एवरी इवर्मेंट स्पेंड्स इफ नॉट मोर देन करोड़ बट एटलीस्ट फिफ्टी करोर्सेंटली भांग थे. उखाड़ो उद्यान जो करते हैं मेरे पास कंपनीज है अक्रॉस द ग्लोब जो गवर्नमेंट को उसका पैसा देने को तैयार है जो वो जलाने के बजाय बहुत अच्छी चीजों में यूज कर सकते हैं लेकिन वही ऐसे हो जाता है ना <laughs> Hmm. So my point is, farmers को अगर ये परमिशन मिल जाए कि वो इसे उगाए मतलब और दो बार definitely उगा सकते हैं, और ये सबके लिए है नॉट ओनली कैनबिस प्लीज अपने लैंड को ना नॉन स्टॉप कल्टिवेशन किसी भी चीज़ का मत करिए उससे उतना टाइम दीजिए ताकि वो रिसर्फिस हो पाए इट जस्ट लाइक अभी बच्चा पैदा हुआ था दूसरा बच्चा पैदा करने बैठ गया वो माँ की हालत तीसरा बच्चा पैदा करने बैठ बैठगी hmm. एक साल में मतलब यू नो नौ करने को तो आप दो साल में दो बच्चे पैदा कर सकते correct. हो है ना लेकिन फिर उस माँ की क्या हालत तो होगी जो पैदा hmm. कर रहे हैं धरती माता है ना करेक्ट तो अगर आप बारह महीने मतलब चार 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 तो बीच में एक चार महीने का या तीन महीने का गैप रखना जरूरी है या कोई और क्रॉप आइडली उगा लो जो सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हो वो लैंड से ताकि वो रिप्लेनिश uh, हो जाए एंड दिस इज आई थिंक सो रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट तो दो बार तो आएगी ही आएगी, आएगी आपकी फसल mm -hmm. और दो बार में भी आपका तना आप अलग बेचो हेम्प फाइबर रूट आप अलग बेच सकते हो इट्स मेडिसिनल अगेन टिबिटन मेडिसिन चाइनीज आयुर्वेदा सिद्धा पत्ते राइट फ्रॉम भांग ठेका टू मेकिंग टी एंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स यू नो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बर्ड्स एंड सीड ऑल्सो अब आप देखोगे तो सीड से फ्लार बनता है ऑयल बनता है यू you नो know, तो आपकी जो दो बार की खेती है दो बार की फसल आपने निकाली डेफिनेटली आपको बहुत पैसा मिलेगा उससे उसके बाद आपका फिर भी पांच गुना हो गया प्रॉफिट क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट एक ही प्लांट के अंदर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं अलग अलग चीजें आ रही है और आपने मतलब बेसिकली आपका कोई बायो वेस्ट हुआ ही नहीं ना इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ ही नहीं ना उसके तो सबके प्रोडक्ट्स बन गए आपके वहां पे तभी इसे इंडस्ट्रियल कहते हैं exactly you can make anything and everything right from you know making the sofa to the mic hmm. like for example mere paas list hai jaise si ki body care products textile and clothing medicine construction essential oils paper 50000 so users bro <laughs> 50000 users <laughs> matlab itna to mere khayal se जुगाड का best example अगर कुछ है तो कैनवेस है या can better. do anything and everything best कुछ हो भी नहीं सकता yep. And you will run an institute right where you teach these people? God bless you I hope <laughs> one fine day yes uh, but yes I am uh, India's only female certified uh, cannabis teacher mm -hmm. and I have uh, taken classes for a US based institution wow and I am in touch with uh, Niagara College University of British Columbia Sativa University ऑक्सटर्डम यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो लोग लीगली बैचलर्स एंड मास्टर्स के प्रोग्राम डिप्लोमास करवाते हैं ट्राइंग टू ब्रिंग दम टू इंडिया क्योंकि okay. बहुत चेंज हो जाती है सोच समझ अनफॉर्चुनेटली आर नॉट गोइंग टू अल्टर देयर गर्सेज फॉर एन अंडरस्टैंडिंग दैट आर गवर्नमेंट है तो वो थोड़ी ना अपना फूल का हटा देंगे तो वही बोलेंगे ना फूल बहुत अच्छी चीज है उसी तो हम मेडिसिन बना रहे रहे हैं पे रिसर्च कैसे करोगे जब आप फूली को नहीं कर हो तो हम लोग सब बैठे हुए हैं जिस दिन हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ हम फूल को एक्सेप्ट करते हैं हमारी भूल है यू नो उस दिन वो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी यहाँ पे तो जब तक वो बोलते ना बड़े पापा या लीडर ऑफ द कंट्री वो सबको एक बार में स्ट्रेट नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा मेरे को सात साल लगे सात स्टेट लीगल कराने को उसमें इतने हेल्थ इश्यूज इतनी चीजें हो गई हैं साम दाम दंड भेद मेरे साथ लोगों ने कर डाला है ना सो वन योर इफ एट ऑल गवर्नमेंट एक्चुअली इफ आई हैव टेकन सो मेनी स्टेप्स टेक्स वन स्टेप टूवर्ड्स मी बिकॉज देर इज नो अदर एक्टिविस्ट इन द कंट्री ऑन लेट इट बी मेल और फीमेल Other people are all selling products. You cannot be an activist if you are making profit out of it. Mm -hmm. I don't. I'm not selling products. I'm more than happy to share all the information, knowledge, contacts, and network. But it is not happening. All the steps are happening towards the corporates, which are trying to play monopoly. डॉक्टर्सन प्लेस क्योंकि वो जो प्रोफेशनल है ना मेडिकल प्रोफेशनल वो नहीं जाने वाले गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली वो मेरे पीछे ही खड़े होके जा सकते हैं कि कल को अगर कुछ गलत हुआ तो ना इनका लाइसेंस जाना चाहिए ना कुछ जाना चाहिए

एंड हाईवे पे इतना आपको दिखेगा इतना उखता हुआ घास की तरह एक्चुअल hmm. में वो वही है लेकिन हम इंसान जो है ना अमृत को भी विश बना सकते हैं तो आप किसके हाथ में वो चीज़ देख रहे हो और कैसे देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है सो लेट जस्ट एजुकेट आर सेल्स एंड एजुकेट आर सिस्टम्स इक्वली अदरवाइज दिस प्लांट इज मच बेटर देन नाइनटी परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड दैट्स समथिंग यू नो आई काइंड ऑफ फुली अग्री बिकॉज हम उतना बेटरमेंट नहीं कर सकते हैं हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यू नो अर्थ को खाली टेन परसेंट इन्वायरमेंटलिस्ट और जो सारी कंपनीज हैं जो अच्छा अपने आप को अपने अर्थ को बचा रही है प्लांट में कैनबस इज दैट वन जो अर्थ को बचा ले जाएगा सो लेट्स यू नो लेट्स लुक एट द प्लांट इन दैट मैनर कि हाँ अगर इसको विजय बोला है हमारे ऋषि मुनियो ने बोला है कि ये वो है जो सब चीज़ों पर विजय पा सकता है जो हमें सिद्धि दे सकता है तो एक बार हम उनके तरह भी सोच लें वरना सिर्फ अपने काम के लिए अगर हम पुराण और वेदों को कोट करते रहे तो फिर लानत है हम पे यू नो दैट इज व्हाट आई फील सो दैट इज लाइक टू टू एनीवन एंड एवरीवन कि अपने काम के लिए खाली वेद पुराण रामायण मत पढ़ो <clears throat> <laughs> jo tum mm. you know that is very important <laughs> and that is a sida shot at everyone okay. you know however one wants to take it. Mm -hmm. and having said that, I have hopes. I'm a very positive person in spite of the fact whatever has happened and not in life, I still feel that we as a country can overtake the entire world in one year when it comes to cannabis. भारत एक लौता ऐसा देश है जहां पे हजार से ज्यादा इंडिजिनियस ट्रेन अवेलेबल हैं लेकिन वो कब तक अवेलेबल रहेंगी और ये यू you नो know, ये बैन और डिस्ट्रक्शन और भांग उखाड़ो के चक्कर में आई हैव नो नो क्लू सो यार लेट्स ऑल बिकम वन वन दैट्स थिंग एंड ओनली देन कैन वी अंडरस्टैंड बेनिफिट्स बी द मैजिकल प्लांट और बाकी तो मलाना से जय जमदंगनी ऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मलाना इज वन प्लेस च इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और अगर आप वहां पे इस प्लांट को एज ए रिलीजियस और मेडिसिनल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हम शादियां भी वैसे ही करते हैं ना जैसे ऋषि शादी करते थे hmm. फेरे नहीं होते मशाल लेके एक दूसरे के घर पे जाया जाता है सो यू नो वन रियली रियली नीड्स टू लुक बोलते ना अपने गिरबान में झाक के देख लो बाकीयों पर मत जाओ So thank you. <laughs> All right, so thank you so much, Priya. Thanks. Yeah. Thank you so much for educating us. So this was Priya Mishra, India's first female cannabis activist, and she's also known as Hempfati. And this is me, Hamraj Bora, signing off. You were watching City Talks only on Radio City.